कल की 2898 एडी का डे 8 का मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अपडेट बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने कल इसका डे 8 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अपडेट आपको नहीं बताया था, इसीलिए आज के इस वीडियो में इसका डिस्कस करने वाला हूं। डे 8 का क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा तेलुगु तमिल हिंदी वर्जन का, और टोटल क्या कलेक्शन रहा, वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन है, और डे 9 का मैं प्रिडिक्शन लगाऊंगा, साथ ही कितना आज के दिन इसका कलेक्शन हो जाता है और अभी तक क्या कलेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ बुक माई शो पे भी मैं बताऊंगा टिकट कितना बुक हो चुका है अभी तक का। तो दोस्तों बात करते हैं डे 8 का, इसका जो कलेक्शन है वो 22 करोड़ 4 लाख हो चुका है डे 8 का कलेक्शन। इसमें से तेलुगु वर्जन का 10 करोड़ 2 लाख, तमिल का 1 करोड़, हिंदी का 10 करोड़ 2 लाख। देखिए सेम ही है, तेलुगु और हिंदी का 10 करोड़ 2 लाख, और कन्नाडा का 2 लाख, मलयालम का 8 लाख। इसी के साथ इसका डे 8 तक का वीक वन तक का इसका जो कलेक्शन हो चुका है 4 करोड़ 414 करोड़ 85 लाख। 414 करोड़ 85 लाख इसका वीक वन का कलेक्शन हो चुका है। डे 9 का आज का अभी तक का जो कलेक्शन है रात 8 बजे तक का 11 करोड़ 14 लाख हो चुका है, जिसमें से अभी लैंग्वेज वाइज नहीं बांटा गया है क्योंकि इसका अभी कलेक्शन और बढ़ने वाला है। इसी के साथ डे 9 तक का टोटल इसका कलेक्शन है 425 करोड़ 99 लाख इसका कलेक्शन हो चुका है। वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन डे 9 तक का मैं बता दूं तो 774 करोड़ डे 9 तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है, और ये भी अभी बढ़ सकता है। इसी के साथ इस मूवी का तेलुगु वर्जन का जो ऑक्युपेंसी रहा 3D में 19.22% का करीब रहा। इवनिंग का हिंदी का ऑक्युपेंसी था 2D का 22.90% का करीब। इवनिंग का ही हिंदी वर्जन का 3D का ऑक्युपेंसी रहा 26.82% का। डे 9 तक का मैं आपको बता दूं इसका कलेक्शन मैंने आपको बता दिया है, और डे 8 का मैंने आपको अपडेट दिया, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का बारे में बताया। अब आइए बात करें थे बुक माई शो पे इसका पिछले एक घंटे में कितना टिकट सोल्ड हुए हैं। दोस्तों पिछले एक घंटे में जो टिकट नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हो चुके हैं 40,900 टिकट पिछले एक घंटे में बुक हुए हैं, जो कि ऑल टाइम हाई टिकट बुक हुआ है अभी। और जानना हमें और भी इंटरेस्टिंग होगा, कल सैटरडे है, परसों संडे है, दो दिन इसका कलेक्शन कितना रहता है, और खास करके संडे के दिन इसका कितना ज़्यादा कलेक्शन होता है ये हमें देखना होगा कि अभी भी मूवी का हाइप है या नहीं है, ये हमें संडे के दिन पता चल जाएगा, क्योंकि संडे के दिन बहुत से लोग जाते हैं मूवी देखने, छुट्टी रहती है ऑफिस, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। दोस्तों इसका बजट भी आपको पता होगा 600 करोड़ का बजट है, तो ये मूवी अपना प्रॉफिट आराम से निकाल ली है, अब 200 करोड़ का प्रॉफिट इसका होने वाला है। डे 9 का मैं बता दूं इसका जो प्रिडिक्शन मैंने लगाया है 20 से 30 करोड़ का इसका डे 9 तक का कलेक्शन हो सकता है, डे 9 का कलेक्शन हो सकता है 20 से 30 करोड़ का। आज का मैं आपको प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ डे 9 का 20 से 30 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है, और मैं इसका अपडेट कल दूंगा, कल सुबह मैं जब कल की का एडवांस बुकिंग के बारे में बताऊंगा उस समय मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। और एक बात और, इसी के साथ मुंजा मूवी जो आई थी जो स्त्री के मेकर्स ने बनाया था वो 100 करोड़ के क्लब कलेक्शन में शामिल हो चुकी है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था इसीलिए वो मूवी आसानी से क्लब कलेक्शन में शामिल हो चुकी है 100 करोड़ के। और बोला जा रहा है कि स्त्री 2 का जो टीजर आया था इससे ज़्यादा उसको बूस्ट मिला और ज़्यादा वो कलेक्शन कर पाई। और आया था चंदू चैंपियन अपने कार्तिक आर्यन का, वो कब आई कब चली गई पता नहीं चला, तो वो मूवी एक तरह से कह सकते कि फ्लॉप साबित हुई है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इसी चैनल के साथ, हम ऐसे ही नए अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा अपडेट अच्छा लगा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से सब्सक्राइब हमारे चैनल को बढ़ाता है, आगे ग्रो कराता है। तो दोस्तों आज के लिए मिलेंगे किसी चैनल के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।